अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एप्पल का फ्रेश जूस घर में बनाने वाला हूँ। तो इससे पहले एक यूट्यूबर की बात होती है, वो तो आप लोग को पता होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक करें थोड़ी रेटिंग के लिए। तो आइए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह और फायदे क्या है इसके। तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। इसके अंदर एप्पल है, लेमन है और काला नमक है। इस ये जो सेब का छिलका होता है, इसको आप लोगों ने जाया नहीं करना कट करके। इसके अंदर जो है ना फाइबर होता है, इसे बिल्कुल जाया नहीं करना। और सेब के अंदर विटामिन सी होता है, लेमन के अंदर भी विटामिन सी होता है, सेब के अंदर एक और बात यानी एप्पल के अंदर कि इसके अंदर आयरन भी होता है। और मैं आप लोग को अब ये बनाकर दिखाऊंगा। एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे बाबा को भी कोविड है और वो माशाल्लाह बहुत जल्द ही रिकवर कर गए हैं इस जूस से। तो इसको आप लोग भी घर में जरूर ट्राई करें, मैं साथ साथ बनाता रहूंगा, आप लोग भी आपका सीख जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एप्पल वॉश करके काट लिए है और मैंने इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज कर लिया है और बर्फ भी डाल चुका हूँ। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो बर्फ डाल लें, लेकिन नहीं डालना चाहते तो आप लोग की मर्जी। और ये आइए अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्रेश जूस एप्पल वाला तैयार हो गया है। तो आइए अब एक सिप लेकर चेक करते हैं। बहुत मजे का बना रही है, फ्रेशिंग फील हो रही है। आप लोग भी ये जरूर बनाकर मुझे बताना कि कैसा बना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए अब मैं मजे से पीता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर्स विद हमादा से।